नाउ विल स्टार्ट विथ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। इनमें से कुछ बातें तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम होगी, लाइक अगर दो रैशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन करें, तो हमें हमेशा एक रैशनल नंबर्स ही मिलेगा। ओके क्या मेरा मतलब है, चलो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ के देखते हैं। मान लेते हैं लेट पी बाई क्यू एंड आर बाय एस आर टू रैशनल नंबर्स। ये दो क्या है, रैशनल नंबर्स है। वेर पी क्यू आर एंड एस आर इंटीजर्स। ऑब्वियसली पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो पी वाई क्यू एक इंटीजर है, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर्स को दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। ओके आर और एस भी इंटीजर है, तो आर बाय एस एक रैशनल नंबर हुआ, एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स क्यू एंड एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके क्यू एंड एस नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में अगर हम लोग इन दोनों रैशनल नंबर्स का एडिशन करवाएं, लाइक पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, उनको हम एडिशन करवाते हैं किससे, आर बाय एस से। तो इनका एडिशन करवाने पे हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इनका एडिशन करवाते हैं। अब इनका एडिशन करवाने के लिए हम लोग का जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेते हैं एलसीएम। तो क्यू इंटू आर एंड पी इंटू एस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो पी एस प्लस आर क्यू बाय क्यू इंटू एस, ये तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगी प्रीवियस क्लासेस से। अब पी क्यू आर एस ये सभी इंटीजर्स है, तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर होगा, एंड आर एंड क्यू, आर भी एक इंटीजर है और क्यू भी एक इंटीजर है, तो आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू विल बी ए इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर है और आर क्यू भी एक इंटीजर है, एंड क्यू इंटू एस भी एक इंटीजर है। अच्छा अब जब पी इंटू एस भी इंटीजर है, आर इंटू क्यू भी इंटीजर है, तो पी एस एंड आर क्यू दोनों को ऐड करने पे भी हमें एक इंटीजर मिलेगा। देयरफॉर ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ऊपर भी एक इंटीजर है और नीचे भी क्या है, ये जो क्यू इंटू एस है ये भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर बाई इंटीजर टाइप चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें इंटीजर बाई इंटीजर टाइप चीज मिली है। ओके ना सिमिलरली हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन करवा के देख लेते हैं, पी बाई क्यू माइनस आर अपॉन एस। सिमिलरली इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं, तो यही चीज निकलेगा हमें। अब यहाँ पे पी एस एक इंटीजर है, आर क्यू एक इंटीजर है, तो पी एस माइनस आर क्यू विल ऑल्सो बी ए इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही होता है, एंड क्यू इंटू एस ये एक इंटीजर है, देयरफॉर ये भी इंटीजर बाय इंटीजर टाइप चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके नाउ अगर मल्टीप्लीकेशन करवाएं, पी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू एस, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन का रूल जो है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट पी आर डिवाइडेड बाई क्यू एस। अब पी इंटू आर, पी एक इंटीजर, आर एक इंटीजर, तो पी इंटू आर विल बी इंटीजर, क्यू इंटीजर, एस इंटीजर, एंड क्यू इंटू एस विल बी इंटीजर, तो ये भी बेसिकली इंटीजर टाइप, इंटीजर बाई इंटीजर टाइप लिखा हुआ है, तो इंटीजर बाई इंटीजर टाइप लिखा हुआ है, तो ये भी रैशनल नंबर है। सिमिलरली वी कैन डिवाइड पी बाई क्यू विथ आर बाई एस, पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस। डिवाइड करने से क्या होता है, जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो आर बाय एस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स
एस तुम्हारा न्यूमरेटर एंड आर तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। देयरफॉर विल गेट पी एस बाय आर पी, पी एस बाय क्यू आर। दिस इज ऑल्सो रिटन एज इंटीजर टाइप, इंटीजर बाय इंटीजर टाइप, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें इसे यह पता चला कि एक दो रैशनल नंबर का एडिशन, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड दो रैशनल नंबर का डिवीजन करवाने पे हमें हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके दैट्स दैट्स इट। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लाइक जब हम लोग, लेट मी टेक अ न्यू पेज, जब हम लोग यही चीज, जब हम लोग यही चीज दो इरेशनल नंबर के साथ करें, ठीक है, जब हम लोग यही चीज दो इरेशनल नंबर्स के साथ करें तो क्या होता है। कहने का मतलब है व्हेन वी ट्राई टू ऐड, सब्स्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, उस केस में क्या होगा। ठीक है ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेट करके चलते हैं हम लोग, लेट कुछ भी ले लेता हूँ ना, लेट एक्स एंड वाई बी टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर एक्स एंड वाई दो इरेशनल नंबर्स है तो एक्स प्लस वाई करने पे, दैट मीन्स दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करने पे, चाहे तुम एक्स मल्टीप्लाई वाई कर लो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे, चाहे दोनों को डिफरेंस निकाल लो, मतलब एक्स माइनस वाई करने पे या फिर वाई माइनस एक्स करने पे, या फिर उनका तुम एक्स डिवाइड बाय वाई कर लो, ये चारों ही ऑपरेशन करने पे, मतलब दो इरेशनल नंबर का चाहे तुम एडिशन कर लो, चाहे सब्सट्रैक्शन कर लो, चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लो, चाहे डिवीजन कर लो, तो ये इरेशनल नंबर है ये जरूरी नहीं। दैट मीन्स वो इरेशनल भी हो सकता है एंड रैशनल नंबर भी हो सकता है। इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्या इसका मतलब है, तुम एग्जांपल देख लो, अभी भी बता रहा हूं कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे, डिवीजन करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे इरेशनल नंबर ही आया, ये जरूरी नहीं है। वो इन एक दो इरेशनल नंबर्स को एडिशन करने पे, सब्सट्रैक्शन करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे, डिवीजन करने पे इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं। ओके तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या मेरा मतलब है। लाइक रूट सिक्स एक इरेशनल नंबर है, इनको हम माइनस करते हैं इससे, रूट सिक्स जो वो भी एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों मिलके आ जाएगा जीरो, जीरो तो एक रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया, दो इरेशनल नंबर को जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। सिमिलरली रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी इक्वल टू थ्री, टू थ्री इज सिक्स एंड सिक्स इज अ रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आया क्या, रैशनल नंबर। सिमिलरली सिमिलरली रूट सेवनटीन बाय टू इंटू रूट सेवनटीन, रूट सेवनटीन भी एक इरेशनल नंबर है, टू इंटू रूट सेवनटीन भी एक इरेशनल नंबर है, रूट सेवनटीन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा वन बाई टू विच इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोगों ने देखा कि एक कि दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे इरेशनल नंबर ही आए वो जरूरी नहीं है। ओके वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है
और रैशनल नंबर भी हो सकता है। फाइन, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इनफ, लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, एक रैशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, तो हमें पता चला कि हमेशा हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने पे हमें इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रैशनल नंबर भी मिल सकता है। आई विल टॉक अबाउट कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने पे क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा हम लोग गहराई से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, ऑपरेशन बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, ऑपरेशंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, लेट्स से हम लोगों ने एक नंबर लिया 2 + √3। वेल, 2 तो एक रैशनल नंबर है एंड √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं 2 + √3 करूं तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार होगा, 2 + √3 को हम लोग लिख देते हैं 1.732। √3 तो एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये जो डेसिमल है ये चलता रहेगा आगे। ओके, अब मैं 2 को अगर इससे ऐड करूं 1.732 डॉट डॉट से, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 + 1 3.732। ये डेसिमल प्लेसेस में तो कोई भी हरकत नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मतलब ये डेसिमल प्लेस अभी भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, इसका मतलब ये 3.732 डॉट 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 जी ये नंबर है, ये अभी भी इरेशनल है, ये अभी भी इरेशनल है। ओके, नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ विल टेक 2 × √3। 2 एक रैशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 1.732 डॉट 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 डॉट। अब इस 2 को हम लोग जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इसके डेसिमल प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबके साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके डेसिमल प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का चीज आ जाएगा कि 2 उन सभी डेसिमल प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट ही बचेगा। देयरफॉर अगेन इसमें जो नंबर आएगा वो भी एक इरेशनल होगा। तो हम लोगों ने अभी तक यहां से ये देखा कि जब हम लोग एक रैशनल नंबर प्लस एक इरेशनल नंबर करते हैं तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, एक रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आता है। दैट मींस एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करने पे हमें मिलेगा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा, और एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। ओके, ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने याद कर लिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जानने के लिए कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को बेसिकली सब्स्ट्रैक्ट करने पे या फिर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। इट इज सेइंग चेक वेदर 7√5, 7√5 इज बेसिकली 7 × √5,
कॉमा 7 बाय रूट 5, √2 + 21 एंड π - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। चेक करना है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स रैशनल है कि इरेशनल है। चेक कर ही लेता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले रूट फाइव क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, 2.236 डॉट 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 डॉट। अगेन √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर विच हुज वैल्यू गोज लाइक दिस, 1.414 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एंड पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 3.1415 ऐसे कुछ चल जाएगा। नाउ 7 √5, 7 √5 इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग को जो चीज मिलने वाला है वो जो चीज मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार की चीज होगी, 7 × 2.236 डॉट 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 डॉट, और 7 इन डेसिमल प्लेसेस में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगेन वी विल गेट अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर ये तो एक इरेशनल नंबर है। ओके, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में भी पढ़ा था। ठीक है, 7 / √5 इसके बारे में क्या कहते हैं? तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 7 / √5 हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, √5 × √5 विल बी इक्वल टू 5। नाउ इट विल बिकम 7 / √5 × √5। अब हमारे पास ये किस प्रकार का चीज है, 7 / 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ऑन द अदर हैंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बेसिकली रैशनल इंटू इरेशनल टाइप चीज हो गई, देयरफॉर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगेन हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो हम लोगों को क्या पता चला कि जब एक रैशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट अ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ √2 + 21 अगेन इट इज रिटन लाइक अ रैशनल नंबर इज एडेड विथ अ इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर 21 एक रैशनल है एंड √2 इज अ इरेशनल, देयरफॉर इट विल गिव अ इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट π - 2। π इज अ रैशनल नंबर, π इज अ इरेशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, −2 + π। अब −2 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, और हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक रैशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक इरेशनल होता है। हम लोगों के पास जो दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, देयरफॉर इस स्लाइड से हम लोगों ने ये जाना कि पिछले स्लाइड से हम लोगों ने क्या जाना कि रैशनल प्लस इरेशनल विल बी अ इरेशनल। दो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ने पे हमें मिलेगा एक इरेशनल नंबर ही, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करने पे इस केस में भी हमें क्या मिलेगा एक इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को माइनस करने पे सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा एक इरेशनल नंबर। अगेन
एक रैशनल नंबर को जब डिवाइड करते हैं कि रैशनल नंबर से, तो अगेन हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलता है. ओके अगेन हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा. एंड मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल इनटू इरेशनल, अगेन हमें एक इरेशनल मिलेगा. तो हम लोगों ने ये जाना कि एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड करने पे, सबस्ट्रैक्ट करने पे, डिवीजन करने पे एंड मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम. हियर इट सेज ऐड, किसको किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है इसके साथ. ओके तो हम लिख लेते हैं इसको, 2√2 + 5√3, इसको हमको ऐड करना है विथ √2 - 3√3. ओके चलो, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, अगेन वील गेट 2√2 + √2. ये कुछ इस प्रकार लिखा, रूट टू और मान ले आम, दो आम, दो गो आम प्लस और एक आम, टोटल तीन आम हो गया. दैट मीन्स 2√2 + √2 विल बी इक्वल टू 3√2. 5√3 - 3√3, रूट थ्री को कुछ भी बोल दो यार, गेंदा फूल बोल दो. तो 5 वो गेंदा फूल - 3 वो गेंदा फूल विल बी इक्वल टू 2 गेंदा फूल, और गेंदा फूल इज √3, देयरफॉर इट विल बिकम 2√3. अगेन 3 × √2, ये वाला तो एक इरेशनल नंबर है. अगेन ये वाला भी एक इरेशनल नंबर है. ओके तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दो इरेशनल नंबर का सम है, दो इरेशनल नंबर का सम है. अच्छा हम लोगों ने जब इन दोनों को ऐड किया था, ये पूरा एक नंबर है, ये इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, आंसर इज पता नहीं, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. जब इन दोनों को ऐड किए हम, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का चीज आया कि दो हमारे पास क्या आया कि दो इरेशनल नंबर का सम आया इन दोनों को ऐड करने के बाद. अब ये दोनों नंबर, अब ये जो नंबर मेरे पास है आंसर में, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. ओके एक्चुअली इन दोनों को ऐड करने पे मेरा आंसर आ चुका था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि ये बेसिकली इरेशनल प्लस इरेशनल टाइप चीज लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ना ही रैशनल नंबर बोल सकते हैं ना ही इरेशनल नंबर बोल सकते हैं. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इट सेज, मल्टीप्लाई 6√7 / 2√5. ओके लेट्स सॉल्व इट. सिक्स रूट सेवन को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से. ओके लेट्स मल्टीप्लाई दिस, दिस इज 6√7 इज नथिंग बट 6 × √7 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 इज नथिंग बट 2 × √5. वी कैन एक्चुअली डू दिस, 6 × 2 = 12, ठीक है, 6 × 2 = 12 इंटू 6 × 2 = 12 इंटू 7 × 5 = 35. ओके 7 × 5 = √35 एंड दिस विल बिकम 12√35.
ओके, रूट 35 इज अगेन इरेशनल नंबर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड डिवाइड ओके डिवाइड 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3. वी हैव टू डिवाइड 8 रूट 15 विथ 2 रूट 3. 8 बाय 15 डिवाइड बाय 2 रूट 3. डिवाइड करने पे क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाएगा. देयर फोर वी विल गेट 8 रूट 15. जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 3. नाउ वी कैन कैंसिल दिस आउट. 2 वन्स आर 2 एंड 2 फोर्स आर 8. एंड अगेन रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट अंडर 3 इंटू 5 अपॉन रूट 3 एंड विच कैन फर्दर बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 3. रूट 3 विल कैंसिल, विल गेट 4 रूट 5. एंड 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज 4 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, सॉरी, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है तुम्हारा एक इरेशनल नंबर. अच्छा, इसके इसके अगर पीछे वाले स्लाइड पे जाए हम तो हमारे पास 12 रूट 35 आया. अब रूट 35 अगर हमें पता नहीं है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, तो हम लोग 12 रूट 35 को हम लोग इरेशनल नहीं बोल सकते हैं. सिर्फ रूट देख के हम लोग नहीं, सिर्फ 35 पे रूट देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि रूट 35 एक इरेशनल नंबर है. देयरफॉर 12 रूट 35 पता नहीं कि इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है. जब तक मैं ये ना बोल दूँ कि रूट 35 एक इरेशनल नंबर है, तब तक तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? पता नहीं कि 12 रूट 35 एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इस बात के बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं होना चाहिए. अगर मैं तुमसे कह दूं कि रूट 35 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि रूट 35 एक इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स 12 इंटू रूट 35 विल बी इक्वल टू विल बी अ इरेशनल नंबर. क्योंकि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है. ओके, 4 रूट 5 हेयर इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज रूट 5 इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. देयरफॉर 4 इंटू रूट 5 विल बी अ इरेशनल नंबर क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो दैट रूट 5, सॉरी, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो 4 इंटू रूट 5 विल बी अ इरेशनल नंबर क्योंकि 4 एक रैशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ. ये भी एक इरेशनल नंबर ही है. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में एक बार डिस्कशन हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो दो रैशनल नंबर, ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच का सम एंड डिफरेंस वो हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर ही आएगा. वो हमेशा क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा. क्या बोला मैंने? इन बातों को हम लोगों ने नोट कर लिया कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. ये पहला पॉइंट. मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. ओके, बट सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड अ इरेशनल
इज ऑलवेज इरेशनल, मतलब एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का अगर हम लोग एडिशन करवाएं या फिर सब्सट्रैक्शन करवाएं तो हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे या फिर डिवीजन करने पे अगर रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन एक रैशनल नंबर का इस रैशनल नंबर के साथ अगर हम लोग एडिशन सॉरी सब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करवा रहे हैं तो उस केस में भी हमें एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड एंड मल्टीप्लीकेशन एंड कोशेंट ऑफ एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो अनन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज इरेशनल इरेशनल। यहाँ पे नॉन जीरो वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पे नॉन जीरो वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि जीरो से अगर किसी को डिवाइड करेंगे, जीरो में से किसी को डिवाइड करेंगे तो भी एक जीरो आ जाएगा, जीरो में से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक जीरो आ जाएगा। इसलिए अगर वो जीरो के अलावा कोई दूसरा रैशनल नंबर है और उसको चाहे किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो डिवीजन कर दो तो हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। दैट्स इट। ओके, लास्ट हमने क्या बोला कि लास्ट हमने ये बोल दिया कि इरेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, एक इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दो किसके साथ, एक रैशनल नंबर के साथ, तो हमारे पास सॉरी वो तो हमने देख लिया। हाँ, एक इरेशनल नंबर को चाहे तुम प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लीकेशन करो डिवीजन करो किसके साथ, एक दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इनफ, इन बातों को नोट करके रख लो कॉपी में। थैंक यू। ओके, अभी तक हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरह से रूट टू एंड रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी रियल नंबर हो, इस केस में रूट 3.5, इसको हम लोग नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये वाला चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तुम्हारे पास कोई भी नंबर आ जाए, 9.3, 3.5, 4.7, कोई भी नंबर आ जाए, उसका अगर रूट को अगर तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहो तो वो किस प्रकार से होगा, वो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, सीधे हम लोग तरीका पे आते हैं कि किस तरह से किसी भी रियल नंबर के रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रॉम एग्जाम्पल 19, रिप्रेजेंट रूट अंडर 3.5 ऑन अ नंबर लाइन। रूट 3.5 को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले क्या करो कि एक नंबर लाइन खींचो, ये जो ब्लैक लाइन तुम्हें दिख रहा है, एक ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद एक कंपस लो, कंपस को एक कंपस लो और कंपस के हेल्प से यहाँ पे कंपस का नीडल को रख के और स्केल के हेल्प से जस्ट 3.5 के दूरी पे एक मार्क लगाओ और उसको नाम दे दो क्या, पॉइंट बी। उसको नाम क्या दे दो, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे अब क्या करो, पॉइंट बी से फिर कंपास का निडल रखो और उससे 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर और एक पॉइंट वहां पे तुम कट कर दो और उसको नाम दो पॉइंट सी। याद रखना, ए पे निडल रख के जिस रियल नंबर का हम लोग रूट निकालने वाले हैं
इस केस में रूट 3.5 का हम लोग रूट 3.5 निकालने वाले, तो यहाँ से हम लोग 3.5 डिस्टेंस तक का, यहाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए से 3.5 डिस्टेंस में एक पॉइंट मार्क करेंगे बी, और फिर हम लोग क्या करेंगे हर एक केस में, फिर हम लोग क्या करेंगे बी से सी मार्क करेंगे, और बी से लेकर सी तक का दूरी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी। पॉइंट ए और पॉइंट सी के मिड पॉइंट को ढूंढो, वो तो तुम्हें पता है किस तरह से ढूंढते हैं, बाय यूजिंग कंपस। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कंपस का निडल रख के यहाँ पे दो आर्क खींच के ऊपर नीचे, ठीक है, हम लोग इस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। ओके, फिर हम तुम क्या करो, जब ये तुम्हारे पास मिडिल पॉइंट मिल जाएगा तो कंपस का निडल यहाँ पे रखो और कंपस का पेंसिल खींच के यहाँ तक लाओ, ठीक है, और एक सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसे जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसको तुम ऐसे बना दो। ओके, ये सेमी सर्कुलर आर्क तुम बना दो। ओके, अब पॉइंट बी पे स्केल रखो, और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और वो उस सेमी सर्कल को जहां पर भी कट करेगा पॉइंट डी पे, उसको पॉइंट डी मार्क कर दो। अब बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली √3.5 है, वो क्या है तुम्हारा, √3.5 है। अब तुम अगर ये जो ब्लैक वाला लाइन है, अगर इस लाइन को तुम नंबर लाइन बोल दो, और ठीक है, इस लाइन को अगर तुम नंबर लाइन बोल दो और पॉइंट बी को अगर तुम 0 बोल दो, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, √3.5 है। अब बी पे रखो कंपास का निडल और डी पे रखो कंपास का पेंसिल, और तुम इस तरह से एक आर्क बना के नंबर लाइन को कट करो, और ये आर्क जहां पर भी ड्रॉप होगा, ये आर्क जहां पर भी कट करेगा बेसिकली वही पॉइंट है जो इस नंबर लाइन पे √3.5 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दैट्स एनफ। नाउ नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, विल हैव टू रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। सेम प्रोसेस करना है हमें, हमें एक लाइन खींचना है, ठीक है, लाइन खींचने के बाद किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट ए पे हम लोगों ने कंपास रखा, और स्केल से 9.3 डिस्टेंस, 9.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस स्केल से नाप के हम लोगों ने इस लाइन पे कट कर दिया, और जिस पॉइंट पे, तो बेसिकली क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या किया, सिमिलरली बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, मतलब कंपस लो, कंपस पे 1 सेंटीमीटर का ये बनाओ, रेडियस बनाओ, और कंपस का निडल यहाँ पर रख के आगे किसी पॉइंट पे कट करो, और उस पॉइंट को क्या नाम दो, सी नाम दे दो, ठीक है। अब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब सिमिलरली उसी तरह से अब ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट खोजो, लाइक ए पे कंपस रख के दोनों साइड आर्क कट करके हम मिडिल पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो तो। अब वो जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे कंपास का निडल रख के पॉइंट सी तक पेंसिल को खींच के लेके जाओ, और एक सेमी सर्कुलर आर्क खींचो जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, एक सेमी सर्कुलर आर्क खींचो, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है सेमी सर्कुलर आर्क। अब पॉइंट बी पे क्या करो तुम, पॉइंट बी पे स्केल रखो और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, और ये लाइन जिस जगह पर भी सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इस सेमी सर्कुलर आर्क को जिस जगह पर भी कट कर रहा है उस जगह को मार्क कर दो डी। अब ये जो लाइन बी डी है वो बेसिकली √9.3 का डिस्टेंस है, इस बी डी का लेंथ कितना है, √9.3। अब सिमिलरली क्या करो, बी को मान लो तुम ओरिजिन, बी को मान लो तुम ओरिजिन, और कंपास यहाँ का निडल यहाँ पर रखो, कंपास का पेंसिल यहाँ पर रखो, और एक आर्क खींच दो, और वो आर्क उस लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा बेसिकली वही आर्क तुम्हारा क्या हो गया, वही पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, 9. √9.3 हो गया। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।